हाई कॉमर्स ग्रेजुएट्स आई की प्रिपरेशन में कोचिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है मैं कहता हूँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कहा जाता है अगर आपकी बैकग्राउंड कॉमर्स है तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को आप सेल्फ स्टडी से तैयार कर सकते हैं और 250 प्लस मार्क्स आराम से ले सकते हैं अगर आपके पास टू ईयर्स हैं तो बहुत अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए स्टडी मेटेल मार्केट में रैंकर्स का भी अवेलेबल है दूसरी कोचिंग्स का भी अवेलेबल है अब वो पढ़िए आज के दिन चैट जीपीटी अवेलेबल है जो चीज़ नहीं मिले रैंकर्स में और कहीं नहीं मिले या पास्ट ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशंस आपको नहीं मिले चेट GPT की जी पी टी कीजिए आपके पास सोलूशंस अवेलेबल है आप टू फिफ्टी प्लस आराम से ले सकते हैं अगर आपको थ्री प्लस श्योर करना है फिर कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं रैंकर्स क्लासेस में फाउंडेशन कोर्स है एडवांस्ड कोर्स है फाउंडेशन कोर्स उनके लिए है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड कॉमर्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और एडवांस्ड कोर्स उनके लिए है इनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है फाउंडेशन कोर्स में एवरी वीक फाइव क्लासेज होती हैं एडवांस्ड कोर्स में थ्री क्लासेज होती हैं मतलब थोड़े टाइम में एडवांस्ड कोर्स तैयार हो जाता है बाकी ड्यूरेशन सेम है टेस्ट सेम है इवेल्यूशन सेम है टीचर्स सेम है कॉमर्स लीजिए चाहे सेल्फ करें या कोचिंग से सक्सेस आपको मिलेगी